मंदसौर जिले में आयोजित गुरुश्री भीमाशंकर शास्त्री की कथा में वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुदेव श्री भीमाशंकर शास्त्री ऐसे संत हैं जो धर्म के साथ सामाजिक जागरण का कार्य भी करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संत लोगों के कल्याण के लिए ही धरती पर आते हैं। मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य ऐसे श्रेष्ठ संत जो समाज सुधारक भी है, भीमा शंकर शास्त्री जी, उनके चरणों में प्रणाम। और शास्त्री जी तो गोविंद के ही उपासक है, श्री कृष्ण भक्त है, और सांवरिया सेठ की उपासना करते हैं राधे कृष्ण भगवान। अद्भुत है सचमुच में, ऐसे प्रभु जो धर्म की रक्षा के लिए ही इस धरती पर अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म पाप अनाचार अत्याचार बढ़ता है, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए वो बार बार इस धरती पर आते हैं। और भीमाशंकर शास्त्री जी भी ऐसे ही श्रेष्ठ संत हैं जो धर्म की स्थापना और रक्षा के लिए इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है। वो कथा तो करते ही भागवत कथा के मर्मज्ञ हैं, लेकिन उसके साथ साथ नदियों का संरक्षण हो, पर्यावरण का काम हो, गोमाता और गौशालाओं के प्रति समर्पण हो, सचमुच में वो अद्भुत है। इसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। कथाओं में जो धनराशि आती है वो स्थानीय गौशालाओं में ही समर्पित करने का पुण्य वो सदैव करते हैं। धार्मिक और रचनात्मक दोनों प्रकार के कार्यक्रम वो करते हैं। स्वास्थ्य के शिविरों का आयोजन हो, श्रमदान हो, मंदिरों का विकास हो, जनता को सही दिशा देने के लिए शिविरों का आयोजन हो, शास्त्री जी सदैव इस काम को करते हैं और जनता को दिशा देते हैं। लोगों को नशे से दूर रहने का सदैव वो संदेश देते हैं, बुराइयों से दूर रहने की बात करते हैं, और लोकतंत्र में मतदान पवित्र कर्तव्य है, इसको भी वो जनता के बीच रखते हैं। ऐसे संत जो समाज सुधारक भी है, क्योंकि वो भ्रूण हत्या के प्रति भी लोगों को जागृत करते हैं, तो ऐसे संत है जो धर्म के साथ साथ सामाजिक जागरण का काम भी करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संत दुनिया में अवतरित होते हैं और लोगों के कल्याण के लिए ही इस धरती पर आते हैं। मैं उनके चरणों में दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के यहीं से प्रणाम करता हूं। बस कृपा की और आशीर्वाद की आप वर्षा हम सब पर कीजिए। सद्बुद्धि बनी रहे, सन्मार्ग पर चलते रहें, और ठीक से अपने प्राणों से प्रिय जनता की, अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा करते रहें। कुरूतियों को हम भी दूर करें। महिला उत्थान के लिए लाडली लक्ष्मी योजना हो, कन्याओं का विवाह हो, या फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन कन्याओं को, बेटियों को, बहनों को देना हो, या फिर अभी लाडली बहना योजना हो, ये शास्त्री जी अंतर आत्मा से निकली है ताकि बहनें भी हमारी सुखी रह पाए, आगे बढ़कर काम कर पाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों प्रकल्प आपके आशीर्वाद से चलाने का प्रयास किया है। अभी बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा अब हवाई जहाज के माध्यम से भी करा रहे हैं, ताकि बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने जाएं। आप श्रद्धा और भक्ति रखेंगे तो गुरु आपको कभी भटकने नहीं देंगे, कभी फिसलने नहीं देंगे, कभी अटकने नहीं देंगे, और आप अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए, श्रेष्ठ काम करते हुए, अंततः परमात्मा को भी गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शास्त्री जी एक बार फिर आपके चरणों में प्रणाम।